बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाहब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कौमी क्रिकेट टीम के बेस्टमैन शोएब मलिक और पाकिस्तान की नामवर एक्टर और मॉडल आयशा उमर की दोनों की जो है वो बोल्ड फोटो जो है वो बनाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड की, बेगैरती की तमाम हदें पार की, बेशर्मी की कोई हद इन्होंने छोड़ी नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया सार्फीन ने इनकी वो सत्यानाश निकाली सोशल मीडिया पर, जिसकी जो है वो अकासी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने किस किस अल्फाज से इन दोनों को, शोएब मलिक और मॉडल एक्टर जो है आयशा उमर को, किन किन अल्फाज से नवाजा, इन अल्फाज की मैं अकासी तो नहीं कर सकता, लेकिन वो तस्वीरें मैं अपने इसी प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। आप उस तस्वीर को देखिएगा और फिर मुझे एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत का फर्द होने के नाते मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या इस्लामी रियासत के अंदर ऐसा हो सकता है? जिन लोगों को हम इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, शोएब मलिक साहब मेरे जो है वो जो कहते हैं ना फेवरेट बैट्समैन वो हैं। वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसके अंदर वो नहीं थे, तो पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर यह ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि शोएब मलिक को जो है वो कौमी क्रिकेट टीम के अंदर इंटर किया जाए। मैं भी समझे कि उस कंपेन के अंदर शामिल था, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की इज्जत की, तब हम जो है वो किसी को नहीं देखते, हम जो है हकाइक के जो है मद्देनजर बात करते हैं। नाजरीन अब हुआ क्या, एक ओके नाम की कंपनी है, ओके नाम की कंपनी है, उसने ये कहा कि मैगजीन जो है, मैगजीन उसके फ्रंट, जैसे ही मैगजीन आप लेते हैं उसके सामने जो है एक बड़ा पेज होता है जिसके ऊपर बड़ी सी फोटो होती है। अब शोएब मलिक को और आयशा उमर को चुना गया, उसके बाद इनकी जो है वो बोल्ड फोटो शूट बनाएगी। कभी वो पानी के अंदर खड़े हुए हैं और जो है वो बड़ी, मैं क्या कहूं कि मेरे वो मुंह से भी वो अल्फाज सूट नहीं कर रहे, ये मैं कहना नहीं चाहता, वो एक दूसरे को कस के उन्होंने पकड़ा हुआ है और उसके बाद वो बोल्ड फोटो शूट बना रहे हैं। जिस तरह आयशा उमर ने ड्रेस पहना हुआ था मॉडलिंग एक्टिंग का, यकीन माने कि मैं अगर आम अल्फाज में कहूं तो ना होने के बराबर ऐसा लिबास पहना हुआ था, जिस तरह ये बंद कमरे के अंदर नाइट ड्रेस के अंदर मौजूद है, इस तरह का ड्रेस था। उसके बाद शोएब मलिक को और आयशा उमर को इसलिए चुना गया कि ये फिटनेस के लिहाज से बड़े खूबसूरत है, बड़े हैंडसम है। भाई मैं उस मैगजीन वाले से पूछता हूं कि ये जिस्म की नुमाइश करने के लिए रह गए हैं पाकिस्तानी एक्टर, आप इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैगजीन पर जिस्म की नुमाइश करने के लिए लगाते हैं ताकि कल इनके रसाले और अखबारात ज्यादा फरोख्त हो सके। अब एक और बड़ी चीज देख लें, इन्होंने मॉडलिंग के अंदर भी बड़ा पैसा कमाया, एक्टिंग के अंदर भी बड़ा पैसा कमाया। शोएब मलिक साहब ने बेस्टमैनिंग सारी जिंदगी कर करके कौमी क्रिकेट टीम की का हिस्सा रहकर बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत सी एड इन लोगों ने बनाए, लेकिन मैं सोचता हूं कि पैसे की हवस या लालच इतनी ज्यादा है कि जब भी इन्हें कोई थोड़े सी पैसों की ऑफर करता है ये अपने कपड़े उतार कर फेंक देते हैं या फिर ऐसी कोई हरकत कर देते हैं कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये मॉडलिंग, ये एक्टिंग जो है, इसकी आड़ में मेरी समझ में बेशुमार ऐसे पाकिस्तान के अंदर एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बेहिंता आकार दी। आज मैं इस प्रोग्राम के बाद मजीद एक दो प्रोग्राम करूंगा। आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जो मैं मजीद दो प्रोग्राम करूंगा वो इनसे भी अलग है, इनसे भी ज्यादा बेगैरती की उनमें इंतहा होगी। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप देखिएगा कि जिस तरह आप लोग इन्हें इज्जत देते हैं, वकार देते हैं, इसके बाद ये किस तरह बेगैरती की हदें क्रॉस करते हैं। मगरबी कल्चर बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यूरोप कंट्री बना रहे हैं, ख्वाब पूरा कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के लोगों को देख देख कर, अब ये पाकिस्तान के अंदर भी मगरबी कल्चर अपना रहे हैं। सरेआम जी डैमो के उतर कर, जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं कि लड़कियां और लड़के जो है वो नहा रहे होते हैं डैमो के अंदर, जो है वो तैयारी लगाना सीख रहे होते हैं, ये भी शोएब मलिक साहब तैयारी लगाते लगाते शायद इनके हाथ में ये आ गई, जिस तरह कसके पकड़ा हुआ फोटो बना रहे हैं, फिर एक जगह पर खड़ी हैं, उसके बाद एक बड़ी बेशर्मी वाली फोटो आयशा उमर की भी वायरल हुई, वो भी आपने हमारी स्क्रीन पर देखी होगी। नाजरीन यकीन माने के बड़ा दुख होता है कि जब अपने ही मुल्क के वफादार या अपने ही मुल्क के जो है अहम रहनुमा, अपने ही मुल्क के नाम रोशन करने वाले चंद सितारे जब ऐसी हरकत करके लोगों से ऐसी दादें वसूल करते हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, उसके बाद मैं समझता हूं कि यार
क्या कहा जाए इनके ऊपर, क्या बोला जाए, हमारे पास तो अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं इनके ऊपर बोल बोल कर। कहा था ना तस्वीरों के ऊपर तस्वीरें, वीडियो के ऊपर वीडियो सामने आएंगी। अब ये अब एक रवाज बन चुका है। अब ऐसी तस्वीरें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, बल्कि रोज देखने को मिलेंगी और हर मिनट के बाद भी देखने को मिलेंगी। आम अपडेट थी नाज़रीन, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट होती है करंट अफेयर वो आप तक आसानी पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।